हेलो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय स्टूडियो। आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि मैं खुद घर में कैसे ब्लीच करती हूँ और इसके क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं, इसको लगाते समय मैंने किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए और इसको लगाने के बाद हमें किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, ये सारी बातें मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। सो इफ़ यू गाइज आर इंटरेस्टेड टू नो हाउ आई लाइक टू ब्लीच माई फेशियल हेयर एट होम देन कीप ऑन वॉचिंग। ब्लीच का सबसे पहला जो हमें अफेक्ट दिखाई देता है अपने स्किन पर वो है कि हमारे जो स्किन टोन है वो वन शेड लाइटर हो जाती है और ये हल्की सी ग्लोइंगनेस भी हमारे स्किन पर ऐड करता है। और अगर आपकी स्किन किसी वजह से टैन हो गई है सन में जाने से या फिर वैकेशन से लौटने के बाद अक्सर हमारी स्किन टैन हो जाती है या कुछ भी है आपके इसका पीछे कोई भी टैनिंग का रीज़न है या अनइवन स्किन टोन है इवन आपकी, तो वो भी आपकी स्किन को वो इवन टोन में कर देता है। बट ये कोई परमानेंट इलाज नहीं है इसका, क्योंकि कुछ दिन बाद ऑलमोस्ट 20 और 25 डेज बाद आपकी स्किन आपके नेचुरल कलर में आ जाती है, क्योंकि जब ब्लीच फेड होना स्टार्ट होती है देन आपकी जो हेयर कलर होते हैं वो आपके नेचुरल हेयर कलर में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, ब्लीचिंग जो है वो कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं है, लेकिन हाँ अगर आपकी लाइफ का कोई स्पेशल इवेंट है या फिर कोई स्पेशल डे है या फिर आप किसी स्पेशल ओकेज़न पर बहुत सुंदर लगना चाहते हो देन आप इसको ज़रूर ट्राई कर सकते हो, लेकिन ये कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं है अगेन, लेकिन ये इंस्टेंट फेयरनेस है। एंड फ्रेंड्स, ब्लीच के कुछ कॉन्स भी हैं, जैसे कि सारी ब्लीच जो भी मार्केट में मिलती हैं उनके अंदर एक हाइड्रो क्यूनोन करके एक केमिकल होता है जो कि सारी ब्लीच के अंदर ऐड होता है और वो 2% की मात्रा में ऐड होता है काफ़ी सारी ब्लीचेस में। एंड वो जो कभी कभी आपकी स्किन इतनी सेंसिटिव होती है कि वो उसकी वजह से इचीनेस होने लगती है आपकी स्किन पर और आपकी स्किन जो होती है वो हर किसी बर्निंग सेंसेशंस भी होने लगती है कभी कभी, किसी किसी को वो नहीं सूट करती है। तो मेरा सबसे पहला सजेशन आप लोगों के लिए ये है कि अगर आप पहली बार ब्लीच ट्राई कर रहे हैं तो सबसे पहले उसका पैच टेस्ट जरूर ले लें, और पैच टेस्ट आप यहाँ पर ट्राई कर ले सकते हैं। यहाँ पर अगर आपके हेयर हैं देन यहाँ पर आप एक पैच टेस्ट लें और उसे 10-15 मिनट के लिए छोड़ दें और देखें कि अगर किसी तरीके की बर्निंग सेंसेशन या इरिटेशन नहीं हो रही है आपकी स्किन पर देन तभी आप उसको अपने चेहरे पर अप्लाई करें। थोड़ी सी तो टिंगलिंग सेंसेशन होती है स्किन में, लेकिन वो बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर वो बहुत ज़्यादा हो रही है देन आप इमीडिएटली अपने चेहरे को वॉश कर उस पर आइस क्यूब लगा सकते हैं अपने फेस पर अच्छे से। टेंस ब्लीच लगाने के तुरंत बाद कभी भी सन में नहीं जाना चाहिए। अगर हमें कोई बाहर का काम भी है देन हम अपने चेहरे पर अच्छे से सनस्क्रीन लोशन लगाएं और एक स्कार्फ या कोई भी आप दुपट्टा या कुछ भी इस टाइप का लेकर अपने चेहरे को अच्छे से कवर कर लें। तो मैं अभी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि किस तरीके से आप अपने चेहरे पर ब्लीच को लगाएंगे और हमें किस चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए, किस तरीके से ब्लीच हमें बनानी है, तो ये सब मैं आपके साथ अभी शेयर करती हूँ कुछ ही मिनटों में। बस ये ऑक्सीलाइफ का ब्लीच है जिसमें आप 5 टाइम्स कर सकते हैं और ये मैंने अमेज़ॉन से परचेज़ किया था। ये आपको किसी भी मेडिकल स्टोर पर या फिर किसी भी होलसेल डीलर जो कि फेशियल और ब्लीच वगैरह के सामान रखते हों उन पर भी मिल जाएगा इजीली इंडिया में। और तो सबसे पहले आपको क्या ध्यान रखना है ब्लीच खरीदते समय कि आपको देखना है कि उसकी एक्सपायरी डेट क्या है। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो इसकी एक्सपायरी डेट 2018 में है, तो स्टिल अभी भी मेरे पास इसको यूज़ करने के लिए 8 or 9 months हैं, तो ये मैं अभी भी यूज़ कर सकती हूँ। और मार्केट में काफ़ी तरह के आपको ब्लीच मिल जाएंगे जिसमें से कि मेरा पर्सनल फेवरेट ऑक्सी ब्लीच है और ये उसी का ही वर्जन ऑक्सी लाइफ है और ये भी काफ़ी अच्छे से मेरी स्किन पर काम करता है। मैंने इसे 1 year में ऑलमोस्ट 2 times यूज़ कर लिया है और मेरा इस ब्लीच के साथ काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। तो मैं आज आपके साथ मैं कैसे खुद घर पर ब्लीच लगाती हूँ इसका वीडियो शेयर करने वाली हूँ। जब आप इस ब्लीच को ओपन करेंगे तो आपको सबसे पहले दिखाई देगा ये ऑक्सी लाइफ का नेचुरल रेडियंस पोस्ट ब्लीच स्किन रेडियंस सीरम। इसको आपको ब्लीच करने से 5 मिनट पहले लगाना है। देन आपको यहाँ पर दिखाई देगी ऑक्सी लाइफ नेचुरल
रेडियंस क्रीम ब्लीच, ये क्रीम ब्लीच है इसके अंदर, जिसे हमें एक्टिवेटर के साथ मिलाना है। एंड देन आपको यहाँ पर दिखाई देने वाला है ये, यस, तो ये एक्टिवेटर है जिसको हमें इसके साथ मिक्स करके अपने लिए ब्लीच तैयार करना है। एंड अब आप देख सकते हैं कि इसके साथ एक बुकलेट भी आई है। तो अगर आप पहली बार ब्लीच कर रहे हैं तो मैं सजेस्ट करूंगी कि आप इस बुकलेट को अच्छे से रीड कर लें। आई नो इट्स काइंड ऑफ बोरिंग थिंग, बट आप इसको एक बार ज़रूर रीड करें। इसको पढ़ने से आपको इसके सारे प्रोज एंड कॉन्स भी मालूम पड़ जाएंगे। एंड फर्स्ट टाइम अगर आप इसे यूज़ कर रहे हैं तो उसके बारे में भी इसमें अच्छे से डिटेल में लिखा हुआ है। देन एट लास्ट यू कैन सी द स्पैचुला। तो ये स्पैचुला इसके साथ ही आता है। और इस स्पैचुले का आपको क्या यूज़ करना है, आप इसको मिक्सिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं ब्लीच को, और लगाने के लिए भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो जब भी आप अपनी ब्लीच तैयार कर रहे हो, आपको ये ध्यान रखना है कि आप हमेशा उसके लिए कोई कांच का बाउल ही चूज़ करें। स्टील का बाउल हमें यहाँ पर बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है। देन मैं यहाँ पर स्पैचुला की हेल्प से मैं अपने लिए ब्लीच क्रीम ले लूँगी। तो यहाँ पर मैंने 2 स्पैचुला के करीब ये क्रीम ले ली है। तो अब हमें इसके अंदर ये एक्टिवेटर ऐड करना है। तो ये देखने में कुछ इस तरीके का लगता है, हल्के से लाइट ब्लू कलर का। तो मैं एग्जैक्ट यहाँ पर 1/4 teaspoon के करीब एक्टिवेटर मिला रही हूँ। और ये 2 स्पैचुला क्रीम था जिसके अंदर मैंने 1/4 teaspoon के करीब एक्टिवेटर मिलाना है। और आप यहाँ पर देख सकते हो मेरी स्पून पर 1/4 teaspoon है ये। तो मैं अब इसको इसके साथ मिक्स करूँगी और हमें इसे अच्छे से मिक्स करना है। इसमें आप 5 मिनट लग सकते हैं आपको, लेकिन आपको अच्छे से ये सारा एक्टिवेटर क्रीम के साथ मिक्स कर लेना है। तो सबसे पहले आप अपने बालों को अच्छे से टाई कर लें। अगर आपके बाल लंबे हैं तो आप एक बन बना सकते हैं, और आगे के बालों के लिए आप ये हेयर बैंड यूज़ कर सकते हैं। और इसे इस तरीके से अपने बालों को के ऊपर लगा लें। कोई ध्यान रखिए कोई भी छोटा बाल आपके फोरहेड पर नहीं आना चाहिए। देन आप इसके बाद एक कॉटन लें एंड उसको कहते हैं कोई भी अपना टोनर लें और उससे अपने चेहरे को क्लीन कर लें। याद रहे कि आपके चेहरे पर किसी भी तरीके का कोई भी मेकअप नहीं होना चाहिए, और स्पेशली जहाँ पर आप ये अप्लाई करने वाले हैं ब्लीच, उस जगह पर तो बिल्कुल भी नहीं। और अगर आपके पास कोई टोनर नहीं है तो आप रोज़ वाटर भी यूज़ कर अपने चेहरे को क्लीन कर। टोनर लगाने के 2 मिनट बाद आप अपने चेहरे पर ये लोशन अप्लाई कर सकते हैं, जो कि इस क्रीम के साथ ब्लीच के साथ फ्री आया था। और इसको आपको ब्लीच करने से 5 मिनट पहले लगाना है। तरीके से आप अपने चेहरे पर इसे अप्लाई करें। तो अब मुझे 5 मिनट हो गए हैं इस सीरम को लगाए हुए। अब मैं ये ब्लीच क्रीम अपने चेहरे पर अप्लाई करूंगी। और अप्लाई करते समय ध्यान रखें कि ये ब्लीच क्रीम आपके फोरहेड की जो ये लाइन है, इस लाइन पर नहीं आनी चाहिए और ना ही आपके आईब्रोज को टच करनी चाहिए।
अपने चेहरे पर 15 मिनट के लिए छोड़ देना है। अभी ना मुझे थोड़ी सी टिंगलिंग सेंसेशन हो रही है जो कि प्रिटी नॉर्मल है। अभी मुझे 5 मिनट हो गए हैं इसको लगाए हुए ब्लीच को, तो आफ्टर 5 मिनट आपको क्या करना है, अपनी फिंगर की हेल्प से इसको हल्का हल्का सर्कुलर मोशन में मसाज कर लेना है, हल्का हल्का सा, बहुत हल्के प्रेशर के साथ, जिससे कि आपके जो हेयर के, जो आपके फेशियल हेयर हैं वो हर तरफ से ब्लीच से कवर हो जाएं और पूरी तरीके से 360 डिग्री में ब्लीच हो जाएं। तो अभी मैं इसे और 10 मिनट के लिए छोड़ दूंगी, तो इन टोटल मुझे 15 मिनट अपने चेहरे पर अप्लाई करना है इसे। मैं बहुत ज़्यादा ब्लीच तो नहीं करती हूँ, मैं साल में एक ही बार ब्लीच करना प्रेफर करती हूँ, और बहुत ज़्यादा हुआ तो कभी लगा कि नहीं बहुत स्पेशल ओकेज़न है देन दो बार मैं साल में ब्लीच कर लेती हूँ। तो मुझे अभी पूरे 15 मिनट हो गए हैं एंड देन मैं अभी स्पैचुला की हेल्प से साइड में अपने बालों को के ऊपर से ये क्रीम को स्क्रैच करते हुए ये देखना चाहूँगी कि मेरे जो बाल हैं वो ब्राउन कलर में टर्न आउट हुए हैं या नहीं। और आप इस तरीके से इसे निकाल कर देख सकते हैं, या मुझे फील हो रहा है कि मेरे बाल ब्राउन कलर में टर्न आउट हो गए हैं। देन आप अपने चेहरे को पानी से अच्छे से वॉश कर लें। तो मैंने अपना चेहरे को वॉश कर लिया ठंडे पानी से और आप देख सकते हो कि मेरी स्किन टोन वन शेड लाइटर लग रही है पहले से, और मेरी जो अनइवन स्किन टोन थी वो भी थोड़ा बहुत फ़र्क नज़र आ रहा है, तो ये ब्लेमिशेस को भी थोड़ा सा फेड आउट कर देता है। अनइवन स्किन टोन भी आपकी बैलेंस लगने लगती है। और अगर आपको फेस वॉश करने के बाद भी अपने चेहरे पर इचीनेस लग रही है देन आप आइस क्यूब लेकर अपने चेहरे पर मसाज कर सकते हैं। मैं यहाँ पर मिंट एंड कोरिंडर से मैंने ये खुद आइस क्यूब बनाई थी, होममेड फेशियल मैंने क्यूब्स बनाई थी जिससे मैं इसे मसाज कर रही हूँ अपने चेहरे पर, और मैंने इसका भी वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पर शेयर किया है तो आप उसको भी देख सकते हैं। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन guys, please don't forget to subscribe my channel if you haven't already and hit the like button, and you can share this video with your family and friends on Facebook, WhatsApp and Rupeso, and I will see you in my next video. Bye bye, love you.